नकली दवाइयों से कैसे बचा जा सके, और क्योंकि बहुत जगह पे नकली दवाइयां पकड़ी जाती हैं, तो उसको बचाने के लिए हमारे पास में क्या क्या तरीके हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, जब भी आप दवाई खरीदते हैं, नकली दवाइयां यूजुअली जब भी बिकेंगी बिना बिल के बिकेंगी, क्योंकि उसके अंदर में जो उसका एक्सपायरी डेट है, उसका जो बिल नंबर है, उसका जो लाइसेंस नंबर है, उसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो नहीं होगा। तो जब भी आप दवाई खरीदते हैं, अगर आप बिल के साथ खरीदते हैं, तो चांसेस हैं कि वो नकली दवाई नहीं होगी। नकली दवाई एक आदमी तभी बेचेगा जब उसका रैकेट होगा, उस रैकेट के अंदर में सस्ती दवाई को महंगी दवाई, उसको जो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा वो तभी बिकेगा जब वो कैश के अंदर में बिकेगी। ये वाली दवाइयाँ जो हूबहू बना रहे हैं, ये लाइसेंस के साथ में, कैश मेमो के साथ में नहीं बिक सकती, क्योंकि हर एक के अंदर में एक बैच नंबर होता है। तो ये बैच नंबर जो नकली दवाइयां बनाएंगे, वो बैच नंबर मॉडिफाई नहीं करेंगे, सेम बैच नंबर की छपनी चली जाएगी। कोई भी आदमी रिस्क नहीं लेगा कि इस दवाई के अंदर में जो है बैच नंबर डालेगा, और ये दवाइयां नॉर्मली कोई भी नकली दवाई जो है कैश मेमो के साथ में नहीं बिकती। इसलिए आम जनता को ये एक मौका है कि कोई भी दवाई खरीदें, सेल टैक्स देके कैश मेमो के साथ में खरीदें, ताकि पकड़ा जा सके कोई भी आदमी, और कोई भी केमिस्ट रिस्क नहीं लेगा एक नकली दवाई को बेचने का। और केमिस्टों को मालूम होता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि केमिस्ट को पता नहीं होता कि ये नकली दवाई है कि असली दवाई है, क्योंकि इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, हर फार्मास्यूटिकल के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स कभी भी नकली दवाई नहीं ले सकते, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास में दवाई जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी के स्टोर से आएगी। कानून का सबसे बड़ा, जो कानून को जो कड़ा होना है, वो यही होना है। दो कानून हमारे को चाहिए कि केमिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ना बेचे, और केमिस्ट बिना कैश मेमो के दवाई ना बेचे, ये एक कानून। और दूसरा कानून, जो हमारे क्वैक्स हैं, ये हमारी कंट्री के अंदर में कोई ना कोई एंटी क्वैकरी बिल आना चाहिए, क्योंकि क्वैक्स कैश के अंदर में काम करते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है। अगर जो एक क्वैक है, जो एक नकली डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस कर रहा है, वो नकली दवाइयां ही बेचेगा, उसके पास कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो कैश के अंदर में लेगा। अगर हमारे को ये सिस्टम इंप्रूव करना है, तो सरकार को यहाँ पे आके रिजिड होना पड़ेगा कि बिना कैश मेमो के अगर आप दवाइयाँ बेचते हैं, तो वो कानूनन जुर्म है। और ये दवाइयाँ देख लीजिए, अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से दवाई, एक चेन है, उस चेन के अंदर में ये दवाई केमिस्ट के पास पहुँचती है, अगर आउट ऑफ चेन वो दवाई आ रही है, तो बिना कैश मेमो के आएगी, कैश मेमो के नहीं आ सकती।